वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने ये पीवीसी का पाइप जो है मैंने गैस पर गर्म करके उसको मैंने शीट बना लिया है। तो मैंने दो शीट ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर करीब 2.5 सेंटीमीटर मार्किंग कर लूँगा मार्कर पेन से, और मैं यहाँ पर करीब 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन इसकी खींच लूँगा, पट्टी खींचनी है हमें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने ये चार पट्टियाँ कट कर ली हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जितना बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। मेरे को छोटा बनाना है इसलिए मैंने छोटा ही लिया। तो अब जो चारों पट्टियाँ हमने ली थी इसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और हो, अगर फेविक्विक बड़ी बोतल नहीं ले सकते हो तो छोटी आती है 5 रुपये की, उससे आप काम चला लेना। तो यहाँ पे एक साइड मैंने चिपका दिया है, वैसे दूसरी साइड भी इसको चिपका दूंगा अच्छे से, और अच्छे से चिपकाना है क्योंकि टेम्परेरी काम नहीं करना है। उसके बाद मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। यहाँ पे हमें होल करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 होल करे हैं। मैं बताऊँ आपको किस लिए होल करें, तो मैंने 4 होल यहाँ पर कर लिए हैं कैंची का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैं 1 वॉट की LED ले रहा हूँ, 4 LED ले रहा हूँ। तो ये मेरे को लगभग 5 रुपये पर पीस के हिसाब से मिला, तो मैंने इसे 4 लिया है। उसके बाद ये जो 4 LED है, एक एक करके हम 4 होल में यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी फिक्स कर देंगे यहाँ पे। और इसमें मैं आप लोगों को प्लस माइनस भी बताऊँगा, बस वीडियो पे बने रहना। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4था भी ये जो है फेविक्विक से चिपका दिया, अच्छे से फिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्लस माइनस आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लस माइनस और कनेक्शन में आपको सीधा सीधा बताऊँगा, वीडियो पे बने रहना बस। उसके बाद आपको एक कॉपर का वायर लेना है, पतला लेना है, और इसको, इसकी जो ऊपर की कोटिंग है उसको सैंड पेपर की मदद से इसको घिस के इसको साफ कर लेना है ताकि अपनी जो सोल्डरिंग है इस पर अच्छे से चिपक सके। तो यहाँ पे मैं इसको सैंड पेपर की मदद से यहाँ पे घिस लूँगा। उसके बाद अच्छे से यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाता हूँ, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद आप कनेक्शन करते हैं, तो प्लस का जितनी भी है लाइन तो सारे कनेक्शन कर लेने, प्लस को प्लस में सारे प्लस एक साथ करने कनेक्ट। यहाँ पे तीसरा वाला भी हो गया और ये 4था वाला भी हो गया। तो सोल्डरिंग करना और कनेक्शन करना बहुत इजी है। अब मैं कटर की मदद से यहाँ पे कट कर लूँगा इसे। उसके बाद फिर दूसरी साइड माइनस को पूरा माइनस में कनेक्शन कर देना है। यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक मार देना जल्दी से, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूँ। मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उस पर भी जल्दी वीडियो आने वाली है। तो ये कनेक्शन हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी, लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके कनेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, बी प्लस और बी माइनस जहाँ लिखा है वहाँ पर बैटरी का कनेक्शन होगा। बी प्लस में बैटरी का पॉजिटिव, बी माइनस में नेगेटिव। तो कनेक्शन देख सकते हैं, मैंने आउटपुट के लिए 2 वायर निकाले हैं और 2 वायर आगे से निकाले हैं हमने चार्जिंग के लिए। ये देख सकते हैं ये वाला, तो ये चार्जिंग का है। तो यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों को इजी से दिख रहा होगा। उसके बाद ये मैंने ये पहले से बना के रख लिया है। ये बटन है और ये चार्जिंग जैक है, फीमेल जैक है ये। उसके बाद अब जो हमने बॉक्स बनाया था, जो पट्टियों का जो हमने बॉक्स बनाया था, तो मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप की मदद से इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दूँगा ताकि ये हिले डुले नहीं और ये हमारा जो अच्छे से बैठ जाए। तो देख सकते हैं ये हो गया। अब जो हमने बैटरी का आउटपुट निकाला था तो वहाँ पे मैं पॉजिटिव कनेक्शन दे दूँगा, और बैटरी का जो नेगेटिव है एक कनेक्शन मैं यहाँ पे देके, और ये जो स्विच है स्विच में एक कनेक्शन दे दूँगा। तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल इजी है। अगर आपको, आप लोगों को कनेक्शन नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को डायग्राम बता दूँगा, आप उससे जाके देख लेना, नहीं तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, रिचार्जेबल ट्यूबलाइट LED कैसे बनाएं। तो ये कनेक्शन हम अच्छे से कर देंगे इसको। तो यहाँ पे कनेक्शन बहुत इजी है। और कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ख्वाहिश हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बना सकूँ। और वैसे भी मैं 1 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था। अब मैं यहाँ पर फेविक्विक की मदद से यहाँ पर जो LED का जो पैनल है मैं यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दूँगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैं फिक्स कर दूँगा। अगर आप लोगों को कम लगे फेविक्विक तो थोड़ा और आप लगा लेना। मैं जस्ट आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से बनाओ कोई अच्छा सा LED लाइट। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ी फिनिशिंग देते हैं।
तो फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे सैंड पेपर से यहाँ पे इसको घिस लूँगा। इसके जितने भी उभरे हुए जो भी हैं किनारे निकले हुए सब समतल और बराबर हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फिक्स कर लूँगा। तो देख सकते हैं हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया है, सफाई से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास स्विच है और ये चार्जिंग जैक है। तो यहाँ पे आप मेल जैक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन आराम से देख सकते हैं, अभी तो इसकी रोशनी ठीक ठाक ही दिखा रहा है। ये अभी पता नहीं चलेगा इसकी रोशनी कैसी है, इसकी रोशनी पता चलेगी अंधेरे में। तो चलो यार इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है इसकी रोशनी। तो ये है, अंधेरे में हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और ये नॉर्मल भाई, मैंने इसकी कोई स्पीड नहीं बढ़ा रखी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ठीक है, बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी बढ़िया है ट्यूबलाइट LED, और ये काफ़ी टाइम चलेगा क्योंकि इसमें 18650 की बैटरी लगी है। तो काफ़ी टाइम चलेगा, यह काफ़ी बढ़िया है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर काम करता हूँ, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो आप लोगों को देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई मिलता है। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।